शासन किया, लेकिन इस देश के चार महत्वपूर्ण हिंदी बाहुल्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिनसे आज तीन नए राज्य और बने हैं, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये सात जो हिंदी बाहुल्य राज्य हैं, कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस के कुशासन के कारण ये राज्य बीमारू राज्य हो गए थे। यहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूली शिक्षा की व्यवस्था थी, न यहां पर स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, न किसानों का उपज का दाम किसानों को मिल पाता था, न नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने दंगे दिए, कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने देश को नक्सलवाद दिया और कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया। कांग्रेस अराजकता की जननी है और अगर मैं कह सकूं तो कांग्रेस की नाजायज उपज के रूप में ये आतंकवाद, नक्सलवाद और ये भ्रष्टाचार है। तो जो हमारे विकास में बाधक हो, जो सुशासन में बाधक हो, जो राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक हो, उस कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर, दूर से भी अगर आप हाथ से छूने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो अपने आप में महापाप का कारण बनने जा रहा है। और इसलिए इस पाप से हम मुक्त रह सकें, इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने इस पूरे जयपुर में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि आर्मी के, देश के पैरामिलिट्री में या पुलिस में जवानों की भर्ती के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था उन्होंने यहां पर नौजवानों के लिए जब प्रारंभ कराई तो मुझे लगा कि वास्तव में इस देश के नौजवानों के लिए एक नया रास्ता निकला है। ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम कांग्रेस भी कर सकती थी। आंकड़े हैं, जिस देश का जवान, जिस देश का हर नौजवान देश में आर्मी को पहली प्राथमिकता देता था जिससे वह देश की सेवा कर सके, कांग्रेस के कुशासन के कारण नौजवानों का मोह भंग हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी का, जिन्होंने नौजवानों को एक बार प्रेरित पुनः किया है कि देश की सेना में जा सकें, अर्धसैनिक बलों में जा सकें, पुलिस में जाकर के और अपनी सेवा दे सकें। यह कार्य कोई राष्ट्रभक्त ही कर सकता है, कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस से इसकी उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि शासन कांग्रेस का था, राहुल गांधी के पूर्वजों का था, राहुल गांधी की विरासत का था। और मैं राहुल गांधी से ये प्रश्न कहना चाहता हूं कि अगर शासन था तो किसानों ने सर्वाधिक आत्महत्या की थी, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही थी, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीबों को आवास नहीं मिलता था, गरीबों के घर में शौचालय नहीं बनते थे, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिलते थे, स्कूली शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई थी कांग्रेस, और कांग्रेस के द्वारा स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था भी नहीं कर पाई थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में विकास है ही नहीं, कांग्रेस विकास करना जानती ही नहीं है, कांग्रेस का विकास से दूर दूर का कोई संबंध ही नहीं, कांग्रेस को न देश के सम्मान का, न देश के स्वाभिमान का कभी कोई फिक्र नहीं रहा। और यही कारण रहा कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती रही। मित्रों, मैं जब बार बार इस बात को देखता हूं, अंतर लोग कहते हैं क्या आया है, और मैं यही बोलता हूं यही अंतर आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख रहे होंगे कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 4-6-10 नए आतंकवादी कश्मीर के अंदर मार न गिराए जा रहे हो। यह है भारतीय जनता पार्टी का शासन।
और कांग्रेस इन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करती थी, इनके साथ नातेदारी और रिश्तेदारी जोड़ने का कार्य करती थी, उनको इन आतंकवादियों में भी वोट बैंक दिखाई देता था, आतंकवादियों के लिए ये लोग सम्मान समारोह आयोजित करते थे। लेकिन हमने आतंकवादियों के लिए सम्मान समारोह नहीं, हमने कहा आतंकवाद की जगह तो केवल मौत होनी चाहिए और इनको मौत बांटने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो देशद्रोही तत्वों को केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मित्रों जब हम लोग किसी गरीब को आवास देते हैं, किसी गरीब को भारतीय जनता पार्टी शौचालय देती है, किसी गरीब महिला को रसोई गैस का कनेक्शन देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी किसी गरीब के घर में विद्युत का निशुल्क कनेक्शन देती है, यह कार्य हमारे लिए राम राज्य की स्थापना का कार्य है, यह कार्य हमारे लिए राम राज्य की आधारशिला को सुदृढ़ करने का कार्य है, क्योंकि राम राज्य में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। हमने भेद नहीं किया जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई भेदभाव देश के अंदर नहीं किया न करने दिया, हमने तो सबका साथ और सबके विकास की बात कही। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते थे याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मित्रों अगर संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है तो इस देश का हिंदू कहां जाएगा? कांग्रेस के नेताओं से थोड़ा पूछिए इस बात को। आज मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता कहते हैं मध्य प्रदेश में कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति का वोट नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। और मैं फिर आपसे कहूंगा इस बात को लेकर के कि मित्रों ये जो कांग्रेस जातिवाद की राजनीति कर रही है, ये जातिवाद की राजनीति इस देश की अपूर्णीय क्षति करेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आज इस देश के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, देश और दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। मोदी जी के नेतृत्व में किसी को कोई संदेह नहीं, पूरा देश भी उन्हें सम्मान देता है और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन, और राहुल गांधी पे तो कांग्रेस के नेता भी विश्वास नहीं करते। आज तो कांग्रेस के नेता इस बात को कहते हैं, मैं तो यहां पर श्री सतीश पूनिया से कहूंगा कि अगर कहीं से कोई बात हो तो कांग्रेस के प्रत्याशी को कहना कि वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला लें, सतीश पूनिया की जीत पक्की हो जाएगी, यह तय है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज तो कांग्रेस के नेता भी इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत सकती। आज सुबह सुबह में जब जयपुर एयरपोर्ट पे था, मैं एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक छात्र ने, वह 17 बार इंजीनियरिंग की परीक्षा में फेल हुआ है, तो कल कोर्ट में गया था वो, और कोर्ट में जाकर के उसने गुहार की कि मुझे एक बार और अवसर दो, तो कोर्ट ने कहा कि भैया देश पर भी कुछ रहम करो, 17 बार फेल हो चुके हो, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी देश पर रहम करनी चाहिए। अब तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 राज्यों का चुनाव हार चुकी है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई चुनाव जीतेगी नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों,
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की बात हो या राजस्थान के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के पास एक यशस्वी नेतृत्व राजस्थान में है, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में आपके राजस्थान में किया और वह कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा, वह यशस्वी कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व का अभाव नहीं, लेकिन कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कौन उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? कौन है राजस्थान में? डॉक्टर सीपी जोशी हैं, रामेश्वर डूडी हैं, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, कोई तय ही नहीं। एक खींचतान चलेगी और खींचतान में विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस केवल जीवन भर खींचतान ही करती रही, इसलिए मित्रों एक खींचतान वाली कांग्रेस नहीं, हमें अपने विकास के लिए सुदृढ़ नींव को रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः राजस्थान में लानी है। कांग्रेस यहां के जवानों की, देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहादत का अपमान करती है, यहां के जवानों का अपमान करती है कांग्रेस। जब कांग्रेस के नेता आतंकवाद को महिमा मंडित करते हैं, जब कांग्रेस के नेता नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहते हैं, ये कांग्रेस कब तक इस देश के जवानों की शहादत का अपमान करेगी? और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि मित्रों 7 दिसंबर की तिथि राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे 2 प्रत्याशी यहां मंच पर हैं, श्री सतीश पूनिया हैं और श्री रामलाल शर्मा हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब हम सबका बजरंग बली पर विश्वास है तो फिर मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम सबका संकल्प भी बजरंगी जैसा होना चाहिए। मित्रों बजरंगी जैसा संकल्प एक ही है,